अपने जिले की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स। ललितपुर कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा प्रेस वार्ता कर डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई गईं। नाराहट क्षेत्र को दो बड़ी सौगातें दी गईं। ग्राम नाराहट को ब्लॉक बनाने के साथ साथ फर्टिलाइजर फैक्ट्री की स्थापना की घोषणा की तथा अपनी सरकार की उपलब्धियाँ गिनाते हुए अमृत सरोवर योजना के तहत जनपद में 107 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य हेतु तालाबों को चिन्हित किया गया तथा 90 तालाबों पर कार्य प्रारंभ करते हुए 82 अमृत सरोवरों का कार्य पूर्ण कर लिया। ललितपुर से विनोद मिश्रा के साथ आलोक चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हनुमान जी के उस मंदिर में गया, जैसी मूर्ति शायद मैं समझता हूँ ललितपुर के अलावा हनुमान जी की ऐसी मूर्ति दूसरे कहीं स्थान पर। बहुत मन आनंदित हुआ और परिवार के साथ और हनुमान जी के दर्शन का सौभाग्य था। मैं वहीं पर स्थित गौशाला का निरीक्षण किया और गौशाला में जो गौवंश की संख्या है उसे भी देखा और वहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखा। काफी संतोषजनक वहाँ व्यवस्था रखी है, लेकिन अभी भी जनपद में गो आश्रय स्थलों के निर्माण और संपूर्ण गौवंश को संरक्षित करने सुरक्षित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना है। उसके लिए आज आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जो गोचर भूमि है अभियान चलाकर फिर उसे खाली कराया जाएगा। एक नैपियर घास होती है इसको लगाने के बाद लगातार हरा चारा गौवंश के लिए उपलब्ध रहेगा, गौवंश के लिए उपलब्ध रहेगा। उसके लिए भी कहा गया है कि एक व्यवस्था यहाँ करा करके तीव्र गति से इस काम को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही क्योंकि जनपद ललितपुर दो विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हमारी दोनों माननीय लोग साथ में मेरे बैठे हुए हैं और यह जिला बहुत संभावनाओं वाला जिला, इसे प्रदेश का नंबर एक जिला बनाया जा सकता है। मैंने जिले के समस्त अधिकारियों का आह्वान किया है कि जिले को नंबर एक जिला बनाने के लिए अपने अपने विभाग के माध्यम से जो अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने का प्रयास करें, जो सुस्त थे वो और तेजी लाने का काम करें। इससे जनपद की एक एक जो जनता है उसके जीवन में जो खुशहाली लाने का सरकार का संकल्प है उसे हम लोग पूरा कर सकें। आज मैं इस पर भी कुछ अधिकारी अनुपस्थित थे तो जो अधिकारी अनुपस्थित थे उसका एक दिन का वेतन काट देने का निर्देश दिया गया। जिले के अंदर आयुष्मान भारत योजना के